नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधु, आप देख रहे हैं किसान रोज चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी कुछ खास अपडेट लेके आई हूँ, जिनमें से सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब देश के किसानों को यूरिया की बोरियां ढोने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें यूरिया बोतल में मिलने वाला है। क्योंकि यूपी में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडिया ने दो यूरिया नैनो प्लांट लॉन्च किए हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको के अंदर लगाए जाएंगे। इसकी दो यूनिट लगाई जाएंगी, जो पहली यूनिट है वो बरेली आंवला में और दूसरी यूनिट इसकी फूलपुर प्रयागराज में लगाई जाएगी। इन दोनों यूनिटों से हर रोज 2 लाख से अधिक यूरिया की बोतल तैयार की जाएंगी, जो कि किसानों को प्रोवाइड की जाएंगी किसान सेंटरों द्वारा। यह किसानों के लिए काफी लाभदायक होंगी, क्योंकि यह कम खर्च में किसान खरीद सकते हैं, इससे उनकी लागत कम होगी और इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आएगा और साथ साथ इसे वातावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है, इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को भी हम कम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश, जो कि गेहूं के एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 स्थान पर आता है, अब वहां काले गेहूं के साथ साथ नीले गेहूं को भी पैदा किया जाने लगा है। जो G20 की इंदौर में बैठक हुई थी और वहां जो एग्जीबिशन लगी थी, वहां इस गेहूं को दिखाया गया, इसकी प्रदर्शनी लगाया और साथ में इसको पेटेंट भी करवा लिया गया है। इस गेहूं की डिमांड बहुत ज्यादा होने का कारण यह है कि बेकरी फीड प्रोडक्ट बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और विदेशों में भी इस गेहूं की डिमांड बढ़ने लगी है। और तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि अब किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि जल्द ही व्हाट्सएप ऐप और चैट जीपीटी आने वाला है, जिसमें घर बैठे किसान अपने व्हाट्सएप द्वारा खेती से संबंधित और स्कीमों से संबंधित नई अपडेट जान सकते हैं। यह इसलिए किया गया है क्योंकि किसानों को हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसान कम से कम समय में अपनी समस्या का सोल्यूशन पा सके। यह उन यूजर्स के लिए सबसे बेहतरीन है जिन्हें स्मार्टफोन पर टाइपिंग नहीं आती, क्योंकि इसमें बोलकर ही चैट कर सकते हैं। यह बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है, जिसमें जटिल सवालों के जवाब बड़ी सिंपल भाषा में दिए जाएंगे और इसमें अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में इस ऐप से आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। चौथी बड़ी अपडेट यह है कि कृषि उड़ान योजना, जिसमें बागवानी, कृषि और फिशरी से संबंधित ऐसे प्रोडक्टों को जहाजों द्वारा ले जाया जाता था आसानी से बेटर मार्केट तक, जो जल्दी खराब हो जाते थे, अब इसमें 21 एयरपोर्ट और जोड़े जाएंगे, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने अभी यह अनाउंसमेंट की है कि नए 21 एयरपोर्ट और इस स्कीम के साथ जोड़े जाएंगे, जबकि पहले 31 एयरपोर्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि कर्नाटका RARS ने दो ज्वार की नई किस्में लॉन्च की हैं, जिसमें पहली है BSV29 और दूसरी है BGV44। ये किस्में M35 से ज्यादा बेहतरीन है उत्पादन में, ये कम लागत पर एक किसान को ज्यादा पैदावार देंगे। इसे 8 से 10 क्विंटल अनाज और 10 से 12 क्विंटल चारा एक फार्मर आसानी से ले सकता है। मेरे द्वारा दी गई एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी ये अपडेट्स आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के न्यू अपडेट जानने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक